इट इज योर सेकेंड वीडियो द चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट बिजनेस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, कुछ इसके मेन कैरेक्टर्स भी बता दिए थे आपको, जैसे जिम मैकफर्सन, कोली मैकफर्सन एंड हैंस वुल्फ। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ बिगिन से यार, अभी जो लेटर लिखा है, मैंने आपको बताया था कि जो लेटर लिखा है किसने लिखा, मैकफर्सन ने। किसको लिखा? अपनी वाइफ कोली मैकफर्सन को। अब ये उनका लेटर स्टार्ट होता है यहाँ पे सेकंड पार्ट में, देखिए अपनी बुक में आप। डियरेस्ट कोली, जैसे हम लेटर लिखते हैं ना तो उस पर लिखते हैं डियरेस्ट कोली, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो उसने कहा, जिम मैकफर्सन ने लिखा उसमें कि आज मैं तुम्हें बड़े खुश दिल से लिख रहा हूँ ये लेटर, बड़ा खुश होकर के लिख रहा हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन, क्योंकि अभी कुछ ऐसा वंडरफुल हुआ है, इतना अच्छा हुआ है कि मैं तुरंत ही तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुरंत ही तुम्हें लिखना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। तो क्या लिखा कि हम सब अपने ट्रेंचेज में यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह अपने ट्रेंचेज होते हैं जहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर्स या सोल्जर्स वहाँ पे छिपे रहते हैं, गड्ढे बने होते हैं, तो उनको ट्रेंचेज बोलते हैं, कि हम वहाँ खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, यानी कि क्रिसमस की मॉर्निंग थी। आई वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एंड ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। क्या कहा है कि बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम हो रहा था वहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी उस टाइम पे, और ऐसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी कि मैंने जो कभी नहीं देखी, इतनी सुंदर सुबह थी। एज कोल्ड, बहुत ठंडी सुबह थी, एज फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और इतनी जमा देने वाली ठंड थी, फ्रोस्टी थी, कि जैसे क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए उतनी ठंडी थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, कि मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि ये शुरुआत तो हमें करनी थी, शुरुआत तो हमने की, बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू से इट इज इट दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। देखिए सच्चाई ये है, जिसे बताते हुए मैं थोड़ा अशेम्ड भी फील कर रहा हूँ, शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है मुझे, कि जो स्टार्टिंग थी वो फ्रिट्ज ने की। फ्रिट्ज के मतलब जो जर्मन सैनिक थे, जर्मन सोल्जर्स थे, यानी कि ये स्टार्टिंग उन्होंने की। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज ओपोजिट, यानी कि दूसरे ट्रेंचेज होते हैं वही, कि जो गड्ढे वगैरह बने होते हैं उनको ट्रेंच बोलते हैं, कि जो अभी आपको बताया कि जो डिच बने होते हैं, ट्रेंचेज होते हैं, उनके अंदर छिपे हुए होते हैं, रह जाते हैं वो अपने बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए भी होते हैं, कि पहले वो ट्रेंचेज से अपोजिट साइड से किसी ने देखा कि व्हाइट फ्लैग वो वेव करते आ रहे हैं, हिलाते हुए आ रहे हैं, लहराते हुए आ रहे हैं। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड यानी कि युद्ध क्षेत्र से, जहाँ बैटल चल रहा है, जहाँ युद्ध चल रहा है, तो वहां से देखा कि वो आवाज लगाते हुए आ रहे हैं, कॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी कि वो टॉमी मीन्स जो ब्रिटिश सोल्जर है, तो कहते आ रहे थे कि टॉमी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ उस समय, सरप्राइज हुए हम, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you, तो हमने भी वापस मतलब बैक में हमने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि same to you, Fritz, same to you, यानी कि आपको भी हैप्पी क्रिसमस मुबारक हो, इस तरीके से। I thought that it would be that, और मैंने सोचा कि अब मामला समाप्त हो गया, समाप्त हो गया क्या मतलब, अब पीस हो गई, अब कोई वॉर नहीं चलेगा। वी ऑल डिड, हमने सबने ऐसा ही किया, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ओवरकोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। फिर सडनली क्या हुआ कि उनमें से ग्रे व्हाइट कोट जो पहने हुए थे वो आए वहां पे और वो वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, और एक व्हाइट फ्लैग लहराया उन्होंने। तो व्हाइट फ्लैग स्टूडेंट, यू नो, जब युद्ध क्षेत्र में या बैटल फील्ड में शांति बनाने के लिए करते हैं, अगर कोई व्हाइट फ्लैग लहराता है, इट मीन्स कि अब वॉर नहीं होगा, कोई गोली नहीं चलाएगा, तो वो शांति का प्रतीक होता है, शांति का सिंबल होता है। डोंट शूट, लेट्स, लेट्स मीन्स बॉयज, लड़कों गोली मत चलाना, शूट मत करना।
समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया इस तरीके से, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाई भी नहीं. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. फिर एक फ्रिट्ज खड़ा हुआ, फिर उसके बाद दूसरा फ्रिट्ज खड़ा हुआ, इस तरह खड़े होते चले गए. कीप योर हेड्स डाउन, यानी कि अपने हेड्स नीचे रखो. आई टोल्ड द मैन, मैंने उनको बताया, इट इज अ ट्रिक, मैंने अपने लोगों को बताया, अपने जो सोल्जर्स थे उनको बताया, इट इज अ ट्रिक, यानी कि ट्रिक है, ट्रिक हो सकती है, बट इट वॉजंट, लेकिन ये ट्रिक नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, अब उनमें से एक जर्मन जो था वो अपने सिर के ऊपर बोटल लहरा रहा था. इट इज अ क्रिसमस डे टोमी, तो उनका क्रिसमस डे है टोमी. वी हैव स्कैलप्स, स्कैलप्स का मतलब होता है मीट, यानी कि हमारे पास मीट है. वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉस है. वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलते हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और इस बीच क्या हुआ कि डजन्स, यानी कि काफी सोल्जर्स, कई सोल्जर्स मतलब दर्जनों में वो हमारी तरफ को बड़े चलाते. नो मैन्स लैंड का मतलब जो बैटल फील्ड था उससे आकर के हमारी तरफ को बड़े चलाते, और उनमें से किसी के पास राइफल भी नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था, नन्ना प्राइवेट मॉरिस था, वो सबसे पहले बोला, कम ऑन बॉयज, आओ बॉयज आओ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आओ सब. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब तक उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था, यानी कि वो रुके भी नहीं. आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था उनका. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, और मुझे उन्हें तभी रोक देना चाहिए था, देयर एंड देन मतलब तभी का तभी रोक देना चाहिए था, आई सपोज, मेरा ऐसा मानना है. बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई है कि ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि मैं इन्हें रोक दूं. ऑल अलोंग देयर लाइन, यानी कि सब अपने लाइन का मतलब जो अपना सीमा क्षेत्र था, वे सैनिक जो होते हैं अपने सीमा क्षेत्र से आगे, एंड आर्स और हमारे भी, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, तो मैंने देखा कि जो सोल्जर्स थे, मैन थे, वो धीरे धीरे इधर से वो उधर से वो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, इधर से फ्रिट्स और उधर से टोमी, सब सोल्जर्स बढ़ रहे थे एक दूसरे की तरफ को. आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, यानी कि एक ने तो ग्रे कोट्स पहने हुए थे, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स मिडल में आकर के एक दूसरे से मिल रहे थे, मिक्सअप हो रहे थे, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, उनमें से एक मैं भी था. आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस, यानी कि मैं भी उसका एक पार्ट बना, हिस्सा बना. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, यानी कि वॉर के बीचों बीच हम शांति स्थापित करने के कायम करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि पीस कायम करने की कोशिश कर रहे थे, किसमें, ऐसे युद्ध के टाइम में. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स, कि डियरेस्ट कोनी तुम आइडिया भी नहीं लगा सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स का, मेरी भावनाओं का. एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, कि जैसे मैंने, जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में झांक करके देखा, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ को आ रहा था, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, उसने मेरी तरफ को हाथ बढ़ाया, हैंड्स फुल, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, यानी कि मेरा हाथ नम्रता से पकड़ते हुए उसने कहा हैंड्स फुल, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं हैंड्स फुल हूँ, और बहुत नम्रता से मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा, मेरी तरफ को हाथ बढ़ाया. आई एम फ्रॉम डेसल, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, क्या कहा उन्होंने कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ. हैप्पी क्रिसमस, तो फिर उनको क्रिसमस की बधाई दी, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन दिया, क्या दिया कि मैं डोसेस ये हूँ, डसलडॉर्फ से हूँ और मैं सेलो बजाता हूँ, और फिर उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला. तो स्टूडेंट, आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू वेरी मच.
A remaining part of this lesson will be covered in our next video. Thank you.